मऊ में मधुवन तहसील मुख्यालय परिसर सभागार में मंगलवार को मंडलायुक्त आजमगढ़ कनक त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कमिश्नर ने सबसे पहले फतेहपुर मंडा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की स्थलीय जांच व प्रगति रिपोर्ट संबंधित विभागों के मंडलीय अधिकारियों से मांगी है। इस दौरान आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज तिवारी उपस्थित रहे। इसमें पात्र गृहस्थी, शौचालय, राजस्व, विद्युत, पुलिस विभाग, विभिन्न मामलों से संबंधित 103 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की। मौके पर 3 मामले का निस्तारण हुआ। मऊ से अचन आजमी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। कई मामले मधुबन तहसील में दैनिक जागरण अखबार में कई दिन छप रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह का निर्देश एक हो जाए, इस तरह की अगर कोई कार्रवाई हो तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लेखपाल किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी एक तो मेरे सामने आया है, अगर इस तरह के और मामले आपके संज्ञान में आए हैं तो आप SDM साहब को बताएं, और यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे पास आकर आप बता सकते हैं, कठोर कार्रवाई कीजिए। बहुत गंभीर प्रक्रिया है। हमारी से कार्रवाई चल रही है। मैं इस बारे में जिलाधिकारी से महोदय से वार्ता कर लूँगी, और जो भी क्या मामला है आपका। मामला यही है कि सर के मुझे मेरे तक घोषित करा करके मेरा भतीजा ने अपनी विरासत करा दिया है। तो क्या किए हैं आप तहसील दिवस में? साहब के हम दरखास्त दिए हैं। कितने दिनों से पहले मेरे तक दर्श साल भर हो गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।